नमस्कार दोस्तों, मैं नवजोत सिंह एसबी न्यूज चैनल से। आज हम स्वामी दीप्तानंद अद्भुत आश्रम में आए हैं और आज यहाँ पे चौथी वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसमें केजरीवाल जी भी आए थे और संत महाराज जी से भी, कृष्णा जी से भी बात हुई है। तो ये डेरे की समाधि है जहाँ पे बाबा जी ने तपस्या की है और जो उनका प्रसाद सारी संगत को मिल रहा है, और हम आपको दर्शन करवाते हैं जी आप इनके। ये देखिए जी, श्री श्री 1008 बंदी छोड़ संत रामानंद जी, और जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की है और इस गांव को चार चांद लगाए हैं और बहुत ही बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है जी इस गांव को। और जो भी भक्त अपना यहाँ पे मनोकामना पूरी करने के लिए सच्चे दिल से आता है तो उसकी श्रद्धा से आता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इसी उपलक्ष्य में आज एक समागम भी करवाया गया था जिसमें राजनीतिक पार्टियाँ भी आई थी, केजरीवाल जी आए थे आप आम आदमी पार्टी से, उन्होंने भी अपने बारे में बताया और कृष्णानंद महाराज जी से भी बात हुई है और उनके कार्य चल रहे हैं, जैसे कूल चला रहे हैं निःशुल्क और भक्ति में सबको लीन लेके आ रहे हैं। जैसे कि आजकल का माहौल बिगड़ रहा है उसको सुधारने के लिए लगे हुए, वैसे भी जो है तो बाबा जी से पूछना चाहेंगे कि आज के दिन क्या प्रोग्राम थे और आगे क्या फ्यूचर प्लानिंग है। यहाँ पर हर वर्ष की क्रांति मतलब महाराज जी की वर्षी मनाई जाती है, ये चतुर्थ वर्षी है और इस चतुर्थ वर्षी के ऊपर केजरीवाल साहब भी महाराज जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और ये कार्यक्रम जो हर महीने भी यहाँ एकम को कार्यक्रम होता है और महाराज जी का पंजाब में और उत्तराखंड में वृंदावन में भी स्थान है और हर जगह मतलब वो परमात्मा के कार्य के लिए निरंतर लगे रहते हैं। जैसे पंजाब में भी हर महीने 200-300 ऑपरेशन नाकों के होते हैं तो ये सुचारू रूप से चलता रहता है। गौ सेवा है, पौधारोपण है, तो ऐसे परमात्मा के जो कार्य है वो हमेशा निरंतर आश्रम की तरफ से स्वामी दीप्तानंद अद्भुत में चैरिटेबल ट्रस्ट से चलते रहते हैं। बाबा जी, ये संस्था कब से शुरू हुई है, क्या पिछोकड़ रहा है इनका, कहाँ से शुरू हुए हैं और आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? और यहाँ जैसे आपने बताया कि पंजाब में गौशाला वगैरह भी चल रही है और हॉस्पिटल वगैरह भी चल रहे हैं, तो आप हरियाणा के विकास के लिए क्या फ्यूचर प्लान है आपकी, उसके लिए क्या कर रहे हैं? वैसे तो हम कबीरगंज से ही निकल कर आए हैं और स्वामी दीप्तानंद जी महाराज ने तपस्या पंजाब में चकवाफी में की है और उन्होंने रामकृष्ण के भी दर्शन संगत को करवाए हैं। तो हमारी आगे भी ये है कि परमात्मा के लिए जितना भी हमारे से बन पड़ेगा, गरीब पंजाब की शादी है, पौधारोपण का है, पर्यावरण के ऊपर है, लोगों को अच्छी संस्कार देने के लिए है, तो निरंतर चलता रहता है। हर जगह कार्यक्रम करते हैं और दूसरे कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। एक बाबा जी, एक पर्सनल सवाल है मेरा, जैसे आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं उसमें माँ बाप का भी बड़ा हाथ है, मतलब धर्म के प्रति दूर जा रहे हैं और मॉडर्निज्म के साथ में ज़्यादा आगे आ रहे हैं, तो उसके बारे में संस्था क्या करती है? संस्था उसके बारे में जैसे पहले मतलब एक गुरुकुल होते थे तो संस्कार मिलते थे बच्चों को, आजकल ये मोबाइल का आधुनिक जो युग आया है इसकी वजह से बच्चों को संस्कार कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो हम उस संस्कार को जोड़ने के लिए कार्य करेंगे ताकि बच्चों में वो संस्कार आए और माँ बाप की और अपने बुजुर्गों की सेवा और देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। और सर आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ से 25 साल से इसी लाइन के अंदर हैं और परमात्मा कार्य निरंतर हर जगह ही, मतलब ये नहीं कि हरियाणा में, हर क्षेत्र में ही काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।